करेंगे। चुनाव आयोग की लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की जानकारी दी जाएगी और जल्द ही होगा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान। तो ये अहम जानकारी कि आज जल्द ही होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी, और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होने वाली है। तो चुनाव आयोग की लखनऊ में आज बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की जानकारी दी जाएगी और इसी के साथ ही ये भी आपको बताएं कि जल्द ही होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान, या फिर ये कहें कि कभी भी हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम होगी। तो 3 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी और जानकारी दी जाएगी। इसमें चुनाव आयोग की लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नामावलियों को लेकर जानकारी दी जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, 3 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है लखनऊ में, बताइएगा जरा इसमें क्या कुछ जानकारी दी जा सकती है, कितनी महत्वपूर्ण आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी दीपिका, अगर हम बात करें तो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरी तरह से जो मतदाता सूची जारी हो रही है उसको लेकर है, और इसके अलावा जो भी ऐसे मतदान स्थल है जो अपभ्रंश हो चुके हैं, जहां पर कोई अपवाद है या फिर जो कंट्रोवर्सियल है उनको कैसे ठीक किया जाए, इस विषय में भी जानकारी दी जाएगी। कैसे काम चुनाव आयोग कर रहा है कोविड के समय में, चूंकि इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है कोविड के साथ चुनाव को सकुशल संपन्न कराना, कानून व्यवस्था को मेंटेन रख के चलना। तो ये 3-4 बिंदु हैं जिस पर जो है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन जो मुख्य बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ये है कि जो मतदाता सूची जारी हो रही है उसको लेकर एक जो है बड़ा ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो 4-5 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, और पिछले 5 साल पहले अगर हम जाएँ तो जो मतदाता थे उनकी संख्या में अब इजाफा हुआ है। कितने किन्नर, चूंकि किन्नर समाज को भी जोड़ा गया है, कितने किन्नर जोड़े गए हैं, कितने जो माइनर थे वो वयस्क में उनको जोड़ा गया है, इन सब बातों को लेकर आज की पीसी है। जी बिल्कुल। और प्रदीप, इसके अलावा क्योंकि हमने देखा कि चुनाव आयोग ने यूपी में 3 दिनों तक डेरा भी डाला था और पूरे जायजा भी लिया गया था कि किस तरीके से वैक्सीन को रफ्तार दी जा रही है, क्या माहौल है, उसको लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा भी की जा सकती है और बताया भी जा सकता है कि पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जो लोकल इंटेलिजेंस हैं, LIU हैं, जो उनके अपने सोर्सेज हैं, उनसे उन्होंने जो भी जानकारियां जुटाई हैं उसके आधार पर चुनाव को सकुशल जो है कराने की तैयारी में है चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में। और इसको लेकर जो है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अभी करीब 8। नियमावली को लेकर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी जाएगी। आपको बताएं कि हाल ही में यूपी में 3 दिनों तक डेरा चुनाव आयोग ने डाला था, सारे जायजा भी लिया गया था और ये भी जानकारी जुटाई थी कि फिलहाल ओमिक्रॉन को लेकर क्या माहौल है, कितनी सतर्कता बरती जा रही है। और बहुत शुक्रिया प्रदीप, ये जानकारी हम तक पहुंचा।